हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना द रेड ट्रैप पार्ट 5. दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर. यस, लास्ट टाइम हमने देखा कि किस तरीके से जो एडला विल्मिंसन है, शी इंटरसीडेड एंड शी मेक हर फादर अंडरस्टैंड एंड शी टू अंडरस्टैंड दैट द पैडलर इज गोइंग टू स्टे विद दैम फॉर द क्रिसमस ईव. आफ्टर दैट वट हैपन? आफ्टर दैट Christmas Eve at Jaramjo passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. The whole forenoon, he lay on the sofa in one of the guest room and he slept at one stretch. At noon, they woke up him up that he could not have his share of good Christmas fare. But after that, he slept again. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safe as here at Ramsjo. Yes, उसके बाद Ramsjo में जो Christmas Eve है ये वो usually जैसे बीतती है वैसे ही बीती, जैसा कि उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ उसने कोई ट्रबल कॉज नहीं किया, बल्कि क्योंकि वो पूरा दिन सोता रहा, दोपहर से पहले तक वो सोया रहा और उसके बाद जब उसे उठाया गया, he had his Christmas fare, लेकिन उसके बाद फिर से जाकर वो सो गया और उसको देखकर लग रहा था कि काफ़ी दिनों से उसने ऐसी जो पीसफुल स्लीप है वो नहीं उसने एन्जॉय की है. इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड दे वोक हिम अप अगेन एंड ही स्टूड देयर फॉर अ व्हाइल इन द ड्राइंग रूम ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन. 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर. ही हैड वंस gone down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. And in the evening, जब Christmas tree को lighted किया गया, उसको उठाया गया, and at that time he was blinking, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो जब candle light है वो उसकी आँखों को hurt कर रहा है. And soon he disappeared, और 2 घंटे के बाद उसको जगाया गया और फिर जो रात का खाना था Christmas fish and porridge वो उसने लिया. As soon as they woke him up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was the father's intention that the suit which he wore was to be his Christmas present. He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in the place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcome back again. And after that what happened? उसके बाद जब उसने खाना ख़त्म गया तो वो सभी के पास गया जो वहाँ प्रेजेंट थे, एंड उस यंग गर्ल के पास जो एडला है उसके पास गया, उसने उसको थैंक यू कहा, एंड एडला मेड हिम अंडरस्टैंड दैट कि जो उसने सूट पहना हुआ है वो उसे रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, और उसको ये भी श्योरिटी दिलाती है कि अगर वो चाहे तो अगले क्रिसमस पर भी उनके साथ आ सकता है, लेकिन उसे जो ये गलत काम है, जो चोरी का काम है, वो उसे छोड़ना होगा. The man with the red traps did not answer anything to this. He only stared at the girl in boundless amazement. Here 2 words are there. Stared at, it means looked at. Amazement is surprise, right? और जो रेड ट्रैप पैडलर था वो उसको कुछ रिप्लाई नहीं करता है, बट ही लुक्ड एट द गर्ल इन अ बाउंडलेस अमेजमेंट. द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस. देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप एंड दे डिड नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब हिम. और नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि क्रिसमस का दिन था, जो आयरन मास्टर और एडला है, दे वेंट टू द चर्च फॉर देयर क्रिसमस सर्विस, और उन्होंने पैडलर को डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि वो सोया हुआ था. When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. At church, she had learned that one of his old crofter of the ironworks had been robbed by a man who went around selling red traps. But then what happened? जब वो अपने चर्च से वापस आ रहे थे तो एडला जो थी वो बहुत ज़्यादा dejected feel कर रही थी. Why? क्यों? इसका रीज़न क्या था? क्योंकि चर्च में उन्हें पता चला था कि उनका जो एक ओल्ड क्रॉफ्टर है उसको किसी ने रॉब किया है, उसको किसी ने लूट लिया है, उसके पैसे जो है वो किसी ने चोरी कर लिए हैं. और वो किसने किए हैं? बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स. दिस इज व्हाट दे लर्नड एट द चर्च. यस, That was a fine fellow you let in into the house, said the father. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time.
राइट, और उसके आयरन मास्टर जो है ही वॉज वेरी अनहैप्पी विद हिज डॉटर, और उसे कह रहा था कि ये वही फाइन फेलो है जिसको तुमने अपने घर में रखा है, एंड आई एम वंडरिंग कि कितनी जो है वो सिल्वर स्पून आज हमारे घर में बची होंगी, मतलब जो भी प्रीशियस चीज़ें हैं दे फियर्ड कि उसने शायद चुरा ली होंगी और वो वहाँ से चला गया होगा. द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर. ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट द चर्च दैट द मैन वॉज अ थीफ. द वैलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल. ऑन द कॉन्ट्रेरी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विच मिस विल्मिंसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट. राइट, वैगन जो उनकी गाड़ी जो थी वो आकर रुकी ही थी कि तभी आयरन मास्टर ने अपने वैलेट कौन होता है, वी हैव ऑलरेडी केम अक्रॉस दैट दिस वर्ड, और ये होता है सर्वेंट से उसने पूछा कि जो स्ट्रेंजर है वो वहीं पर है या चला गया है, और उन्हें पता चला है दैट ही वॉज अ थीफ. राइट, एंड वट द सर्वेंट रिप्लाइड, उसने कहा कि वो जो स्ट्रेंजर है वो वहाँ से जा चुका है और वो कुछ वहाँ से लेकर नहीं गया है. इनफैक्ट वो एक छोटा सा प्रेजेंट छोड़ कर गया है, एक रैप्ड प्रेजेंट छोड़ के गया है एडला के लिए, जिसको वो एज अ क्रिसमस प्रेजेंट एक्सेप्ट कर सकती है. द यंग गर्ल ओपन द पैकेज विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस. शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय. राइट, और जो यंग गर्ल है एडला है, व्हेन शी ओपन्ड द पैकेज एंड द कंटेंट्स इन केम इनटू व्यू एट वंस, जब उसने देखा शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय. एंड व्हाई अनलाइन दीज लाइंस, शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोर नोट्स. बट दैट वॉज नॉट एट ऑल, इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ रिटन लार्ज लेटर जैगेड कैरेक्टर्स. जैग का मीनिंग क्या होता है? जैगड इज समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर, क्योंकि जो रेड ट्रैप पेडलर है ही वॉज नॉट वेरी एजुकेटेड, तो उसकी जो राइटिंग थी वो जो वर्ड्स थे वो क्लियर नहीं थे, टेढ़े मेढ़े थे. तो जब उसने खोला वो प्रेजेंट, तो इसमें ये जो इम्पोर्टेंट बनता है, एक पॉइंट बनता है कि वट वर द कंटेंट्स ऑफ दैट प्रेजेंट. तो उसमें एक क्या था, एक स्मॉल रेड ट्रैप था उसके अंदर, एंड इट वॉज नॉट एम्प्टी, बट उसमें क्या था, 3 क्रोनोर बिल्स थे और उसके अंदर एक लेटर भी लिखा हुआ था. और क्या लिखा था लेटर में देखिए, ऑनर्ड एंड मिस नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ इट आई वॉज अ कैप्टन. आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, फॉर आई डू नॉट वॉन्ट टू एम्बेरस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ. But you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for the poor wanderers. Yes, इसमें उसको थैंक्स कहता है सबसे पहले एडला को कि उसने जो पैडलर है उसको ऐसे ट्रीट किया है जैसे वो कोई सच में कैप्टन है. और वो कहता है कि इस क्रिसमस सीजन में आपको मैं एम्बेरस नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि ही रिक्वेस्टेड हर कि जो ये 3 क्रोनोर बिल्स हैं, 10 क्रोनोर बिल्स हैं, ये उसके रियल ओनर को वो रिटर्न कर दे. द रेड ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड रेड ट्रैप इफ ही हैड नॉट बीन रेज टू कैप्टन बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड्स कैप्टन वॉन स्टेहल. राइट, एंड वट ही सेड कि और इसके साथ ही वो क्या कहता है, वो उसको थैंक्स कहता है फॉर शोइंग फॉर ट्रस्टिंग हिम, कि वो उसको ट्रस्ट किया है उसने और उसको इस तरीके से ट्रीट किया है जैसे वो सच में एक कैप्टन है. एंड वो ये भी थैंक्स कहता है कि मैं एक रैट था जो इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंस गया था और जो एडला है उसने उसको एक पावर दी है टू क्लियर हिमसेल्फ. राइट, क्लियर हिमसेल्फ का मीनिंग क्या है, टू मेंड हिज वेज, टू चेंज हिज वेज. और वो यही उसको प्रॉमिस करता है दैट ही इज़ गोइंग टू चेंज हिज वेज ऑफ लिविंग. और वो अपने आप को किस नाम से साइन करता है, कैप्टन वॉन स्टेहल. राइट, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. और इस चैप्टर में एक जो लास्ट क्वेश्चन हम एक शॉर्ट आंसर डिस्कस करना चाहते हैं वो है, व्हाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट
लेफ्ट बाय द पेडलर। एडला जो है वो क्यों खुश होती है उस गिफ्ट को देखकर, व्हाई? तो इसमें हम देखते हैं कि क्यों खुश होती है, बिकॉज शी मेड द पेडलर टू चेंज हिज बेस। उसने उसको ट्रस्ट किया और किस तरीके से उसने पेडलर को, जो कि बिल्कुल भी जो वर्ल्ड के रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, उसको फॉलो नहीं करता था और वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर था, उसने एडला ने अपने तरीके से उसको डील किया और किस तरीके से उसको ट्रस्ट करके उसको कंपेल किया एक तरीके से कि वो गलत रास्ते को छोड़ दे और सही रास्ते को फॉलो करे। थैंक यू।